एक छत्तीसगढ़ की औरत दिया जला रही थी तुलसी, वो अंग्रेज बोलो बड़ी दिलचस्पान प्लांट, ये नानकुन पौधा क्या है? बोले ये नानकुन पौधा मेरा दाई है, ये नानकुन पौधा तेरा मदर है, देख तेरे दाई का क्या हाल करता हूँ, पूरा पत्थर तोड़ तोड़ के फेंक दिया। छत्तीसगढ़ की औरत की ताकत देखो, वो बोली दाई से मिले है, ददा से नहीं मिले? बोले ददा कहाँ है? बोले बाड़ी में, बाड़ी में लगी केवाच के पेड़ में, वो अंग्रेज खानिस्तान तक खजवार घूमत। छत्तीसगढ़िया के आई तो हूँ ऊपर है, मैं दू मत नहीं है, बहुत ऊंचा काम करके। और अगर आप स्कूटर में जा रहे हैं, पत्नी बैठी है और सामने से कोई महिला आ गई और उसने कहीं आपको नमस्ते कर दिया, तो भाई साहब भवानी सवार होगी रात के घर। कौन थी, कैसे नमस्ते की, राजस्थान है या औरत पति की अर्थी को उठा के संस्थान तक छोड़ के आती है? मैं बोला बेटा अंबिकापुर आ जाए, जिंदा को रख के आ जाती है। एक अमित शाह जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे, आपके बाजू में जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने उस रात मेरे को सीरियसली सुना। आज देखो कहाँ एक बार महिलाओं के मैं विरोध में बोल रहा हूँ, पुरुष कहीं कटिंग बनवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो आके नहाते हैं, स्वच्छता प्रेमी, एक औरत का नाम बताइए भाई साहब जो ब्यूटी पार्लर जाए और आके मुंह भी धोए। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का है, व्हाट इज छत्तीसगढ़? मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़ी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका के तो 40 शहर में कविता पढ़े। ये कोनो बड़े बात नहीं है, सबसे बड़े बात ये है कि वो जन्म छत्तीसगढ़ में होए और मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। अरे तू पार चार बार पढ़, अरे तू पार चार बार पढ़, अंटहा भाटा खा मुंडा ल चुकर राजी में नहाते डोंगरगढ़ में चल एला के थे बाबू, दोनों हाथ उठा के एला के थे बाबू, एला के थे बाबू छत्तीसगढ़। आज के कार्यक्रम में जिन माइंड का है आयोजन के मुख्य है कलेक्टर साहब संदीपन जी, गिरीश गुप्ता जी, राय साहब, ये सब मिलके कार्यक्रम का पूरा प्रशासन, सुशासन और प्रशासन दोनों मिलके आयोजन को किए हैं, इसमें बात महत्वपूर्ण है। और अंबिकापुर और मेन पार्ट की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। अंबिकापुर और मेन पार्ट की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम एक से पूछा कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या? अंबिकापुर में एक से पूछा आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए अंबिकापुर मेन पार्ट का आदमी एकदम चकास है। अरे सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने हजार देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते, जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए अंबिकापुर में का एकदम एकदम झकास है। और यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही थी, एक यूक्रेन का आदमी अंबिकापुर आ गया, झकास आदमी को पकड़ लिया, बोले यार हम गरीब देश, रूस अमीर देश, कोई तरीका बताओ तो हम जीत जाए। तो उसने कहा देखो हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में घोल के रूस के ऊपर सींचना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे रूसी मरते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए यहाँ का आदमी एकदम झकास है। झकास लोगों के बीच कविता पढ़ने का अलग आनंद है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई तो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर गुरुभर चश्मा पहन के टीवी का कुंभर जाता था, हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना,
बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कोई हमेश छोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। और जो लड़कियां अपनी किताबों में, जो लड़कियां अपनी किताबों में आमीर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। बड़ा अजीब दौर चल रहा है और समय बहुत कम है, जितना दिया गया है मेरे को उतने में मेरे को 2020 का मैच चल रहा है। वैसे तो मैं पूरे रात भर का आइटम हूँ, एक आध घंटे में क्या होना जाना है, जबकि आधा घंटे में तो और कुछ नहीं होना। अगली बार जब बुलाया तो लंबे पानी के लिए बुलाया। आप जो यहाँ बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और पुलिस भी हमारी कविता सुन रही है, ये बड़ी बात है। पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो किसी के बाप की नहीं सुनती है वो हमारी सुन रही है, ये कम बड़ी बात है। पुलिस वालों को प्रणाम करता हूँ, इनका बड़ा योगदान है हर कार्यक्रम में। और जब विनोद चौबे जी की शहादत हुई तब मैंने पुलिस के लिए एक कविता लिखी जो पूरे हिंदुस्तान में चली। पूरे हिंदुस्तान में पुलिस क्या होते, आज आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, पुलिस के अधिकारी और पुलिस के जवान आपको कवि सम्मेलन सुना रहे हैं, अगर वो ना हो तो कार्यक्रम ना हो। बस इसको ध्यान में रखें, 12 पंक्ति सुने। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, मस्त है गश्त है गश्त है, पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है, जब तुम फटाके फोड़ते हो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं काजल से मनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। जब सिपाही का बच्चा, जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा गंभीरता से सुने, आपका दर्द गायब बने पूरे देश में। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था तो उसका बाप ये सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था, हेवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला और बेटे ने दिया बाप के ही दम तोड़ डाला। लाखों वही सिपाही दूसरे दिन लड़खड़ाते कदमों से गश्त में जाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद है। पुलिस के सम्मान में शहीद विनोद चौबे की शहादत के लिए एक बार आसमान तक की तालियों से हम उनको याद करें। जो पुलिस के जवानों को मैं बहुत बहुत अधिकारी हैं, अधिकारी को सबको प्रणाम करता हूँ। जितने लोग बैठे हैं वो एक ही बात बार बार बोलते हैं, हर कोई बोलता है, जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो, और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा। अरे मेरा टेंशन समझो भाई, और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, अब तो बोलते हैं काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा, बहुत टेंशन में है क्या बताए हम आपको। हम रायपुर में सरकारी बदले में रहते थे, मैं 15 साल तक वो सचिव रहा राजभाषा का, तो हमारी पत्नी आई भी है बैठी है, वो हमको बोली कि जी अपन सिविल कॉलोनी में रहते हैं यहाँ कुत्ता पालेंगे। मैं बोला मैं पाल रहा हूँ ये कम है, और क्यों कुत्ता पालो, बोले नहीं डॉगी स्टेटस सिंबल, कुत्ता पालना जरूरी है। मैं गया कुत्ता बना के बांध दिया, कोई कुत्ता भूखे ना, एक काला कुत्ता डायरी रूम देता था, मैंने तख्ती काम की कुत्तों से साधारण काला कुत्ता खतरनाक है। थोड़ी देर बाद एक ने घंटी बजाई, मैंने दरवाजा खोला, वो बोले तुम ही हो क्या, अब बहुत दिक्कत है, इसके बाद में सांस लेता हूँ मतलब आपको ताली बजानी है, कैसे करूँगा, बहुत दिक्कत होती है। पर अभी तो मेन पार्क फिर भी अच्छी जगह है, यहाँ श्राद्ध पक्ष में कौड़े मिल जाते हैं। रायपुर महानगर है, वहां अगर अपने बाबा दादा का श्राद्ध करना है तो कौए नहीं मिलते, सदर बाजार के मारवाड़ी कार में मेरे घर आ जाते हैं, बोलते चलिए हमारे बाबा जी का खाइए, हमारे पिताजी का खाइए, और ले जाके गए
दिक्कत है, क्या करें, बहुत परेशानी। मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। यहाँ बहुत लोग होंगे, बहुत अधिकारी हैं जिनको मैं जानता हूँ। छत्तीसगढ़ यहाँ पर विदेश मतलब दुबई, बैंकॉक, पटाया, फुकेट, लेकिन ज्यादा विदेश में छत्तीसगढ़ में नहीं जाना। चाहे सबको बड़े अधिकारी हो, ये चारे जगह जाते हैं। गंगोत्री जात हम लेके बैंकॉक चल गए थे। नाम भी ले सकता हूँ, आठ दस यहाँ बैठे उनका घर फोड़ सकता हूँ मैं। पत्नी को पता चलेगी, भवानी सवार हो जाए। गंगोत्री बोल के बैंकॉक जाने वाले बहुत लोग हैं। मैं दुबई में कविता पढ़ रहा था तो एक कविता पढ़ के हम होटल के सामने खड़े थे। बैठिए बैठिए, आप समय में आए, मैं थोड़ा जल्दी चालू हो गया। तो खड़ा था कि एक लड़की आई कार से, अली जी आपकी कथा तो सबको, बहुत बड़ी प्रतिभा है अंबिकापुर की, जिसने फिल्मों के लिए गीत लिखे, जिनके गीत को सोनू निगम ने गाया। ऐसे जितने लोग बैठे हैं, मेरा दावा है दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते, हर कोई बोलता है। और वो डायलॉग है टाइम नहीं, हर कोई बोलता है भाई साहब एक बार बोलेंगे दिन में, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 125 करोड़ होगी। ताली बजाओ, सांस ले लो। हमारी आबादी 125 करोड़ हो गई, टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है किसको देखो, टाइम नहीं। आप कभी रायपुर आइए, आते ही रहते ना, तो रायपुर कोई बड़ी बात नहीं। दूर में जाइए, सरोज पांडे जी ने क्या बढ़िया शमशान घाट बनाया, मरघट देखो तो मरने का मन पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये हमारा अली, इसके साथ इसका एक दोस्त है तिवारी, उसको लेके गया तो तिवारी बोला क्या मरघट है, देखो तो मरने का मन करता। मैं बोला ग्रेनाइट लगा है लेख का, हमारे क्या है, मुझे तो दूसरे जगह फूक देंगे। बोले ये बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं। किसको देखो टाइम नहीं है, हर कोई टाइम नहीं है। देखिए कितने पुरुष बैठे हैं और कितनी महिलाएं बैठी हैं। एक बार महिलाओं के मैं विरोध में बोल रहा हूँ, पुरुष कहीं कटिंग बनवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो आके नहाते हैं, स्वच्छता प्रेमी। एक औरत का नाम बताइए भाई साहब जो ब्यूटी पार्लर जाए और आके मुंह भी धोए, होता है कभी? कभी नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉरेनर आ गया छत्तीसगढ़, एक छत्तीसगढ़ की औरत दिया जला रही थी तुलसी में, वो अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस स्मॉल प्लांट, ये नानकुन पौधा क्या है? बोले ये नानकुन पौधा मेरा दाई है, ये नानकुन पौधा तेरा मदर है, देख तेरे दाई का क्या हाल करता हूँ। पूरा पत्थर तोड़ तोड़ के फेंक दिया। और छत्तीसगढ़ की औरत की ताकत देखो, वो बोली दाई से मिले हैं, ददा से नहीं मिले। बोली ददा कहाँ है? बोले बाड़ी में, बाड़ी में लगी केवाच के पेड़ में, वो अंग्रेज उखानी स्वास तक खजवार घूम। छत्तीसगढ़िया के आई तो बहुत ऊपर है, मैं दू मत नहीं है, बहुत ऊंचा काम करते। एक कॉन्वेंट के पढ़े बहू आई थी, अब वो अपन उतर बेटा ला, अपन बेटा नाती ला, उतर सास फिरा हाथ ले बिछड़ के कॉन्वेंट के पढ़े, लड़की की डोंट टच माई चाइल्ड, कल से मेरे बेटे को मत छीना, कल से मेरे बेटे को मत छूना। अब छत्तीसगढ़ के सास के जवाब देखो, लगे जवाब सही है तो आसमान तक ताली बजाना। छत्तीसगढ़ की सास बोली हाँ बहू, मैं तोर बेटा नहीं छूं तक मोर बेटा नहीं छू। ये है छत्तीसगढ़। तो टाइम नहीं है, क्या करें, टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां 24 घंटे मोबाइल लेकर चलते, माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते। दो लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7, मैं पीछे से इनके ऊपर गिर गया। बोले है 3210 नोकिया। बोले है 3210 नोकिया? मैंने कहा हाँ, मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है। पर एक बार वो बैटरी को चार्ज करके देखते, इसमें अभी भी पावर बहुत है। ये है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे गोल्डन लॉक कर दे तो बासी संख्या खबू। मैं तो दिल्ली में फिक्की ऑडिटोरियम में कविता पढ़ रहा,
हमको आग दिखा रहे, आप हमको हंसा रहे। मैं बोला चीन अपनी आग खुद तो देख ले, 1.5 किलोमीटर की आंख रहती है, उतने तो सारे हमारे यहाँ बच्चे प्रार्थना में खुला रखते हैं, तो चीन हमारी क्या बराबरी करेगा। ये आपके मेन पार्क के आगे के गांव का एक लड़का दिल्ली में पढ़ता था, एक चीनी लड़की के संग नपर झप्पर हो बिहार करके ले आए, होकर बाप पूछी से कोरे बेटा तोर बहू है दादा ऐसे, अरे एक सेकेंड पीस का है, नहीं दादा पूरा सही हो है ऐसे, ऐसे सही हो है गर्दन के बाद कन्या सुनू पते भी चल, 4 दिन बाद करियर नहीं सिमर के पूरा कठन कठन के रो है, तो कर दादा की रो मत बेटा, मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं, ये चीनी हमारी बराबरी करेंगे, आप हंसा रहे हैं, अरे हंसाना बहुत पवित्र काम है, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी को हंसाने का काम वो कहते हैं, जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए पूजा करता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। टेंशन देना बहुत सरल है, टेंशन आप किसी को भी दे सकते हो, इधर से जा रहे हो उधर से एक आदमी आ रहा है, जानना पहचान नमस्ते कर, एक घंटे के लिए बुक हो गया वो कौन था, ऐसे नमस्ते कर दिया। और अगर आप स्कूटर में जा रहे हैं, पत्नी बैठी है और सामने से कोई महिला आ गई और उसने कहीं आपको नमस्ते कर दिया, तो भाई साहब भवानी सवार होगी रात के घर, कौन थी, कैसे नमस्ते की, कब से चक्कर चल रहा है, ये टेंशन लेना बहुत सरल है, टेंशन बड़ा कठिन काम है। एक बात कहना चाहता हूं, मैं जयपुर गया राजस्थान कविता पढ़ने के लिए, जयपुर एयरपोर्ट में उतरा तो जो लेने आए थे बोले वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है, मैंने कहा वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करते, बोले आप काय के वीर, मैं बोला तुम काय के वीर, बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए, मैं बोले इसमें तुम्हारा का योगदान है, हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुए थे, हम आवेदन फंसाए थे पैदा करो कर, बोले आप जानते नहीं है ये राजस्थान है, या औरत पति की अर्थी को उठा के संस्थान तक छोड़ के आती है, मैं बोला बेटा अंबिकापुर आ जाए जिंदा को रख के आ जाती कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए, छत्तीसगढ़िया को कॉन्फिडेंस है तो बहुत बड़ी बात है। समय की कम है, एक कविता मैं आपको और सुनाता हूँ, उसका मैं अगली बार थोड़ा ज्यादा समय लेके आए देंगे लोग, मेरा तो ऐसा ब्राह्मण आदमी हूँ, आप कहानी का कोई भी किताब उठा, कहानी यही से चालू होता है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण, सारा दुनिया में कोनों गांव नहीं क्या गरीब ब्राह्मण है, सभी जगह गरीब ब्राह्मण। मैं 18 बार दुबई गया, मेरे एक दोस्त ने कहा हवाई अड्डे इंटरेस्टेड था दुबई, मैं बोला दुबई दुबई लोगों का बंटवारा है देखने का, तो ब्राह्मणों को लोग बोलते ब्राह्मण ज्यादा खाते, गलत, ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाते, ब्राह्मण अच्छा खाते और जब अच्छा बनता है तो ज्यादा खाते। टेक्निकल को समझिए, भाई साहब बैठे हैं, हरी जी बैठी, माता जी बैठी हैं, ऐसी मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से, माइक की कसम था, 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम में कवि सम्मेलन हो रहा था अहमदाबाद में, कुमार विश्वास संचालन कर रहा था, मैं कविता पढ़ रहा था, जैसे आप बैठे हैं भाई साहब पहली रो में, ऐसी पहली रो में 2 लोग बैठे थे, एक अमित शाह जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे, आपके बाजू में जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने उस रात मेरे को सीरियसली सुना, आज देखो कहाँ सीरियसली सुना, और इसलिए एक बार सीरियसली दोनों हाथ उठा के ताली भी बजाओ। एक कविता रखता हूं, ब्यावर राजस्थान में एक कवि था सुरेंद्र दुबे, 1 जनवरी को उसका निधन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ईमानदारी से सही बात बता रहा, कविता नहीं एकदम सच्चाई है, विकिपीडिया ने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया, सुरेंद्र दुबे का निधन, देवेंद्र में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब मैं सुबह सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 100-200 गमछा कांवर लेके खड़े, बोले क्या भैया जी पढ़ के भैया दुबे भैया जी बचा, अरे यह हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, अरे दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक ने मेरी पत्नी को फोन किया, सुने दुबे की निपट गए, मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य
रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी तू कैसे खड़ा है रे? थोड़े लकड़ी निकाल रहा हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी लाया हूँ, 1650 रुपए मरघट्टी में डाला हूँ, वापस नहीं आ सकता, आपको तो जलना ही पड़ेगा। मैं बोला मैं तेरे 1650 रुपए के लिए मर जाऊं? अबे ये हास्य का टुकड़ा है, ठाकर का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। सुरेंद्र दुबे किसी कवि का नाम नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के मायावी प्यारे दुलारे। अरे सुरेंद्र दुबे कवि नो है, सुरेंद्र दुबे एक तिहार है, ये तिहार है, बहुत बड़े तिहार है। ऐसा कैसे करे बाबू? पॉलिटिक में क्या रखे? ये जो पीतल के लोटा है, लोभान घी है, तो कपाट क्रिया के पूरा सामान है, 650 रुपये के नॉन रिफंडेबल। तो मैं मर जाऊं तो मर, मातृशक्ति बैठी है, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी, भाभियां चाचियां बैठी हैं, जिंदगी के किरदार को ये हर रूप में जीती है, ये बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। थली फूली टहनिया जड़ों के तरफ मुड़ी रहती है, अरे बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती, बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे कोई बाल में बह के आ गए, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन क्या करें। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम मैं करूंगा नहीं। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। मेन पार्ट उत्सव में शामिल लोगों से गुजारिश है, दोनों हाथ उठा के बोलो टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी। ये राखी का रक्षा सूत्र है, ये बेटियां क्या है, ये बहनें क्या है, ये चाची भाभी क्या है? पहले चाची भाभी चिट्ठी लिखती थी जब मोबाइल नहीं था, पोस्ट कार्ड में अपने जीजा को चिट्ठी लिखती थी और उसमें गुलाब का फूल बनाती थी कलर पेंसिल से पोस्ट कार्ड में, और शायरी करके शायरी लिखती थी, चारे पत्र चमकते चमकते जीजा जी को कहना नमस्ते नमस्ते। मैं जब छोटा था, खाता नहीं था, तो मोर दाई ना ढुंगर्रा कीड़ा काला वाले बड़ा कीड़ा होगा लिखा खा गए, एक जूजू पकड़ लिया। अब वही जूजू कुछ दिन बाद जीजू बन गया, तब मैं समझे ढुंगर्रा कीड़ा मंस जीजू और भाटा के भाटों के मतलब घलो ढुंगर्रा कीड़ा, मतलब ढुंगर्रा कीड़ा ही भाटो एंड ढुंगर्रा कीड़ा ही जीजू। काय अपन तो कम में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही एक बात है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कविता आपके दिलों तक जाती है, वो कविता याद रखें कि जहाँ तेरा वजूद किस्तों में दिखता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। गरीबी के लिए दिख, महंगाई के लिए दिख, बेकारी के लिए दिख, अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। और बिहाव नहीं हो और दादा जी तुमको मार्केटिंग करने नहीं आता है, लेकिन कैसा मार्केटिंग? बोले हाई फाई बताना पड़ता है आज के जमाने में। मैं BSc पढ़त रहा हूँ बेगूसराय में, डॉक्टर रमन सिंह से एक साल आगू पढ़त रही थी सेकेंड ईयर में। मैं गया जेल मोर ससुर पूछी मोर से कहाँ तक पढ़ रहे हो? मैं बोले MSc। काबर बढ़ा के बताना है दादा? बोले बढ़ा के बताना। बोले MSc प्राइवेट में नौकरी करते? नहीं सरकारी। बढ़ा के बताना। 10,000 तनख्वाह? नहीं 30,000। बढ़ा के बताना। अपना माँ के खांसी? बोले खांसी में नहीं टीवी। मैं मद्रास में कविता पढ़ाते रहे, मद्रास मतलब डॉक्टर का नाम हो गए चेन्नई, चेन्नई मतलब वहां लुंगी पहनी थे और लुंगी में चैन नहीं रहा देकर सचिव का नाम चेन्नई। अरे बजा सांस लेना है। मैं मद्रास में कविता पढ़ते रहे, देखते रहे पन्ना पब्लिक खिलावा अन्ना। बोला लोकल को भी समझते रहे। मैंने दिमाग के खड़िया बोला मद्रासी समझता नहीं, मैं और छत्तीसगढ़िया मैं भगवान ने करे फरियाद, कैसे का भगवान तो हम भगवान हो दे कर दे भाई बच्चों जवाब, ये मतलब गोरिया कर दे मुला कर दे कथा
भगवान हमके दे दे गच्छा भगवान बीज का करो उत्तर भारत से आदमी बनाए पर शुरू करे बनावत दक्षिण पूछे सबो रंग सिरा बैकग्राउंड कलर बचेरी शूटिंग मार दे लेकिन ज्यादा बात मत कर चल हर जाना भर भगवान ने शुरू करे तुम भी करे छो दिमाग बांटना है दक्षिण ने शुरू करे छो दिमाग बांटे भगवान पंजाब आई दिमाग सिरा दे सरदार आगे बोले दिमाग के बोलो काम है तुम लड़ो देश के नाम अमर करो फिर मोर प्रॉब्लम खड़े रहेंगे जितना सगा आए मन कहे बिहाव हम मार देते फिर रंगे है आ गया थे मोर दाई कहे बिहाव कर लो सगा तह रंग फरिया गए दुबई तोरो आइडिया बहुत बढ़िया फिर छत्तर कपड़ा थोड़ा करियर करियर मैं सोचे दाई के तक भरोसा में रहूं मैं बरन हो गए मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके कम दिमाग के भूखी टू लिखे ताली बजाओ सांस लेना खूब और प्यार में बहागे और गुलाब जामुन रसगुल्ला समझ के खा अब बिहार के मुहूर्त निकली स्वार मुहूर्त अमावस की रात करिया घोड़ी में दूल्हा बन के जाकर वो बिजली बुता दे सब चिंता थे दूल्हा कमा दे एक जन डोकरी कहा तो रे पर रही को खाला था जगरे खाले में दूर है कैसे ना कर मैं गुसिया के डॉक्टर ने रख दियो कैसे ना करते मतलब गोलियां करके देखा डॉक्टर ने फिर साबुन दी क्या छह महीने रगड़ के रहा मैं छह महीने ना है मैंने गोलियां साबुन कर दिया अब बिहार के बाद अपन भाई लेबर ससुराल गए तो मोर सास कहा थे बने आ गए बाबू दो चार दिन रुको भैंसी पाओ दो पाओ दूध दी टेक्नोलॉजी मोर समझ में नहीं सारे बोल रहे थे भैंसी की से पी ली ओकर पड़वा गमा के बाप ओकर पड़वा गमा है बाप तो देखी पाप दू पाप दूध तो दे बिहार बाद अपन भाई ले पर ससुराल गए खा पी बने सुतरे बिजली बुता गए बटके मेरे भैंसी पड़वा गमा के मोर सास और खोजत खोजत आई मोला धरी सो दीजिए पड़वा मिल के मैं क्या मैं पड़वा ना हूं मैं तो हाय भगवान दमान लगे मेरन पाए हैं तो मेरन खटियों का मैं सुता मैं के मोरो तकदीर के फेर हो गए अरे मनखे के मनखे से तू डरे मोर जानवर सब तो कर लो तुम मन हासत होगी ता जानू ये कविता ना कैसे बनाए हैं अरे कई रात हो ये मतलब आप लाख साल फिर आदमी बहुत बढ़िया एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए छत्तीसगढ़िया। अब मैं अपनी कविता समाप्त कर रखा हूँ।